रोहित शर्मा कोई भी बयान देते हैं सोशल मीडिया पर वायरल बहुत हो जाता है। रोहित शर्मा का एक और रिएक्शन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं गार्डन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, गार्डन में उन्होंने जो एक पोस्ट डाला जिसमें सभी खिलाड़ियों के साथ वो नजर आ रहे हैं कि ये बंदे गार्डन में घूमने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट मुकाबला हराया, उसके बाद जयशाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। बीसीसीआई की तरफ से ऐलान किया गया कि भाई खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने वाले खिलाड़ियों का पैसा डबल होने वाला है। इस फैसले के बाद हर कोई खुश है और जो नहीं टेस्ट क्रिकेट खेल रहे उनको लग रहा है भाई उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है। इसी मसले को लेकर रोहित शर्मा ने अब जवाब दिया है और रोहित शर्मा ने जो रिएक्शन दिया उसमें एक चेतावनी भी है। क्या चेतावनी है वो ट्वीट आपको पढ़ाते हैं और उसका मतलब समझाते हैं। दरअसल रोहित शर्मा ने लिखा कि टेस्ट क्रिकेट असली फॉर्मेट था और रहेगा। बीसीसीआई और जयशाह को टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देते देखना बहुत अच्छा लगा, यानी कि खास तौर पर कि भाई यही असली फॉर्मेट यही था, ये है और यही रहने वाला, रोहित शर्मा की खास तौर पर चेतावनी है। और हमने जयशाह को अलग अलग मौकों पर टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें करते देखा है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्राथमिकता देकर खेलने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन बीसीसीआई ने कल जो एक फैसला लिया उससे कितनी ज़्यादा अगर आप देखें सैलरी बढ़ने वाली है उसकी अगर बात कर ली जाए, बीसीसीआई ने जो सैलरी बढ़ाई है उसकी अगर बात करें तो देखिए टेस्ट मैच की जो फीस है वो होती है 15 लाख रुपये, लेकिन अब जो हो जाएगी अगर एक खिलाड़ी 75% से ज्यादा मैच खेलने पर 45 लाख का उसे इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि अगर कोई साल भर में एक सीजन में 75% से ज्यादा मुकाबले खेलता है तो उसको 15 लाख तो फीस है प्लस 45 लाख हर मैच के एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर वो मान लीजिए प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाया है, वो मान लीजिए फिर भी 15 का हिस्सा है, टीम का हिस्सा रहने वाले खिलाड़ी को 22.5 यानी कि 22.5 लाख का इंसेंटिव तब भी मिलेगा जब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी एक सीजन में 50% खेलता है तो उसे 30 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 75 लाख तो आपके मैच की फीस हो गई और ये 30 लाख एक्स्ट्रा। और अगर 50% वाला खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाया है, मतलब वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो उसको मिलेगा 15 लाख का। तो ये भी अगर आप देखिए एक अच्छा खासा फायदा होने वाला। लेकिन अगर 50% से कोई कम खेलता है तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जो टेस्ट मुकाबले की जो फीस होती है 15 लाख, बस वही मिलने वाली। यानी कि अगर एक सीजन खिलाड़ी अच्छा सा खेल जाता है टेस्ट क्रिकेट में तब उसको यहाँ से भी अगर आप देखें तो करोड़ों रुपये मिलने वाले हैं। तो एक ज़बरदस्त पहल है अगर, यानी कि अगर आप कोई 75% वाला तो IPL से ज़्यादा पैसे टेस्ट क्रिकेट से कमा लेगा। तो ये जो पहल है इसकी तारीफ हो रही है और ज़बरदस्त है, खिलाड़ियों को रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़ने वाला। आपको ये स्कीम कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत